गुड मॉर्निंग वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी, ये चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है। पहला है ऑर्डर प्रॉपर्टी। क्या है ऑर्डर प्रॉपर्टी? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल 5 × 8 स्केल टू 8 × 5। केवल इसका टर्म ट्रांसफर होता है, ए के जगह पर बी और बी के जगह पर ए हो जाता है। प्रोडक्ट इसका दोनों का इक्वल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, इसमें ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ग्रुप में है, इसमें ए और बी ग्रुप में है, सी अकेले है, इसमें ए अकेले है, बी और सी एक साथ है ब्रैकेट के भीतर है। ये ग्रुपिंग में है, ग्रुप में अकेले नहीं होता है, ग्रुप में एक से अधिक जब होता है तो ग्रुप बन जाता है। तो इसमें ए और बी ग्रुप में है, सी अकेले है, यहाँ पर ए अकेले है, यहाँ पर बी और सी ग्रुप में। अब एग्जाम्पल में देखिए, 3 × 4 × 7, ये 3 × ये ग्रुप में आ जाएंगे, 4 × 7, 4 × 7, यहाँ पर 3 4 ग्रुप में है और 7 अकेले है, यहाँ पर 3 अकेले है, 4 × 7 ग्रुप में। ये आपका ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, किसी भी अंक से, अच्छा अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू वन ए, 9 × 1 9, 79 × 1 79, इटीसी। किसी भी डिजिट में अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिजिट जो कहते हैं होता है, वो कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह वन से, इसके बाद जीरो से, इसके बाद अगर हम किसी भी डिजिट में जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह जेव कहते हैं जीरो ही, वह जीरो हो जाता है। फोर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी अगर हम एक्स इंटू जीरो जीरो, ए इंटू जीरो, दुनिया में किसी भी डिजिट्स में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। ये एग्जांपल 75 × 0 यानी जीरो, 2 5 7 8 9 × 0 इसकल टू जीरो। किसी भी डिजिट में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। वही मेरा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है।
कि जीरो से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, जैसे ए इंटू बी प्लस से ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी ए से बी में हो जाएगा फिर ए से सी में होगा, आप ग्रुप में रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एग्जाम्पल फाइव इंटू सेवन प्लस एट हो जाएगा, फाइव से सेवन मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू सेवन प्लस फाइव इंटू एट, फाइव इंटू एट, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह आपको ये पांच आपको प्रॉपर्टी बताया गया। पहला क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ए इंटू बी, बी इंटू ए होता है क्योंकि उसका टर्म जो है पद ट्रांसफर होता है। इसके बाद ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में ए इंटू बी इंटू सी, ए अकेले रहेगा तो बी सी ग्रुप में आ जाएंगे ठीक, और बी सी अगर एक साथ रहेंगे तो ए अकेले आ जाएगा इस तरह। फिर इसके बाद अगर दुनिया में किसी भी अंक से वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंक ज्यों का त्यों होता है, डिजिट जो है ज्यों का त्यों होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीरो से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही होता है। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि ए इंटू बी प्लस ए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, फाइव इंटू एग्जाम्पल है फाइव इंटू सेवन प्लस एट, फाइव इंटू सेवन प्लस फाइव इंटू एट, इस तरह आपको ये पांच प्रॉपर्टी है। ये पांचों प्रॉपर्टी का आप लोग अवश्य याद कीजिएगा क्योंकि आगे जो है आप जो भी मैथ आएगी इस पर आपको जो प्रॉपर्टी है इसी के बेस पर और आपको मैथ बनाने के लिए मिलेगा। इसके बाद आइए एक्सरसाइज फोर ए, एक्सरसाइज फोर ए, इसमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 40 इंटू क्या इसमें फिल करेंगे, प्रोडक्ट जो रहेगा तो जीरो, क्योंकि जीरो प्रोडक्ट कब आएगा जब जीरो से किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। इसके बाद टू में 34 इंटू वन स्क्वल टू 34, फिर थ्री में 25 इंटू ये हो गया 75, ये थ्री हो जाएगा, क्या होगा थ्री होगा, फिर फोर 45 इंटू जीरो इजकल टू जीरो, फिर फाइव में 23 इंटू सिक्स, सिक्स इंटू 23, ये आपका तो ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए पर है, ऑर्डर प्रॉपर्टी पर है, ये किस पर है ऑर्डर प्रॉपर्टी पर, फिर सिक्स फाइव इंटू फोर स्कल टू फोर इंटू फाइव, ये भी आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी पर है, किस पर है ऑर्डर प्रॉपर्टी पर, सेवन फाइव इंटू सेवन स्कल टू सेवन इंटू फाइव, सेवन इंटू फाइव, फिर एट में 25 इंटू 61, 61 इंटू 25, फिर नाइन में 2 इंटू 32,
स्क्वायर टू 32 into 2, 32 into 2 हो जाएगा। 10 में 10, 24 इंटू 37 स्क्वायर टू हो जाएगा 37 into 24। 11 में 28 into 74 स्क्वायर टू 74 into 28। 12 में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, क्या है, 2 into 8 into 7, 2 into 8 into 7 तीन हो जाएगा, 2 into 7 into 8 into 7, 8 into 7, 2 into 7 into 8 into 7। इस तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 4A में 1 से लेकर 12 तक आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। इसके बाद ये 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 20 तक है, कितना तक है, 20। तो इसमें भी देखिए 35 into 43, ये आपको फिर मैं ये फिलअप कर देता हूँ। थर्टी फाइव इंटू फोर्टी थ्री इंटू सेवेंटी सिक्स, ठीक, इसमें है 35, 43, 76, फिर 14 में 51 into 70, 70 into 51, 15 में 13 fill in the blanks into 21, 13 into 16 into 21, यहाँ देखिए 13 ये 21 है, क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, 13 इंटू 16 टू 21, 13 इंटू 16 इंटू 21, ये बात 16, क्या है 16, में 45 इंटू 52 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स 45 इंटू 52 इंटू 16, ये देखिए 45 52 दिया है, यानी 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर आइए 17, 17 में 7 इंटू 23 प्लस 8 हो जाएगा 7 into 23, ये एक्सरसाइज 4A है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक बता दिया, इसमें 18, 19 और 20 है, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। इसके साथ आप लोग टेबल मस्ट टेबल याद, ये टेबल जो दिया हुआ है ये टेबल आप लोग को याद करना जरूरी है, ये टेबल जरूर याद कीजिएगा, और कम से कम टेबल 1 से लेकर 20 तक टेबल जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि टेबल पर ही आपका मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन दोनों, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों टेबल पर ही निर्भर रहता है, इसलिए आप लोग टेबल जो है 1 से लेकर 20 तक जरूर याद कीजिएगा, मस्ट रिमेम्बर कीजिएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 4A बताया था,
आज आप लोगों को 4B बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4B में यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड द प्रोडक्ट, यानी जो टेबल दिया हुआ है, ये जो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टेबल याद करना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग टेबल 1 से लेकर 20 तक जरूर याद कीजिए, क्योंकि टेबल पर ही ये आपका मैथ बनेगा। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड द प्रोडक्ट। 5 × 9, यानी 5 का टेबल याद रहेगा या 9 का टेबल याद करेगा तभी बना। 5 × 9 = 45, 9 × 5 = 45, इसलिए टेबल याद करना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 4 × 7, 4 × 7 कितना होगा, 28, कितना होगा, 28। फिर क्वेश्चन नंबर, ये टेबल पर ही है, पूरा टेबल पर है, आप टेबल मस्ट याद कीजिएगा, अगर टेबल याद नहीं कीजिएगा तो आपको बनाने में परेशानी होगी, ठीक ना, प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये 1 और 2, ये क्वेश्चन नंबर मैं 12 बता देता, 7 × 2 = 14, मैं 2-3 को इसलिए बता दिया कि पहले बताया था कि आप लोगों को टेबल याद करना ज़रूरी है, टेबल पर ही आपका एक्सरसाइज 4B आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, आप टेबल पर ही ये निर्भर, ये टेबल पर ही आपका निर्भर है, ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये टेबल के 5 × 9 = 45, 4 × 7 = 28, 7 × 2 = 14, यानी टेबल ही है, इसलिए आपको टेबल याद करके एक्सरसाइज 4B को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 4C बता देता हूँ, एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 4C, इसमें 1 है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 का आई बता देता, यहाँ लिखिए 1 place, 10 place, 100 place, 1000 place, ये 1, 2, 3, 4 है, 1 place, 10 place, 100 place, 1000, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2423 × 2, ये 1 place per 6, 2 × 4, 4 × 8, 2 × 4, ये 4846। इसका क्वेश्चन नंबर के, क्वेश्चन नंबर के है, क्या है, फिर 1 place, 10 place, 100 place, 1000 place, इसमें है 3023 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 × 3 = 9, इस तरह आपका एक्सरसाइज 4C में यो मैंने क्वेश्चन नंबर आई और के बता दिया, इसी बेस पर आपका और जो क्वेश्चन है अपने से सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से वह पूछिएगा। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, फिर इसमें 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 × 3 = 9, इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर ये 1 का मैं आई और के बता दिया, और जो और क्वेश्चन बचे हैं आप अपने से ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से अवश्य पूछ लीजिएगा। थैंक यू। मैं दूध की एक्सरसाइज की दे, अरे बोलिए भोजपुरी बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 4B बताया था, आज मैं एक्सरसाइज 4C बताने जा रहा हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर ई 1 का ई बता देता हूँ, ये आपका टेबल है, 100 place तक है, 1, 10, 100, 1, 10, 100, इसमें
ये आपका क्वेश्चन नंबर 706 में वन से करना है, किसे करना है, वन से करना है। तो वन से किसी भी डिजिट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट ज्यो का ते हो जाता है। तो ये सिक्स क्या हो गया, 607 706। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर जे टेबल बना लेंगे। वन प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस। वन प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस। जे में है 4210 मल्टीप्लाई टू। तो देखिए टू में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, टू में वन से करेंगे टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यानी 8420। इस तरह फिर आइए के, वन प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस। वन प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड, 3023। 3023 में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री में जीरो से करेंगे जीरो, थ्री थ्री जा नाइन, 9069। ये हो गया फोर सी में आपको क्वेश्चन नंबर ई जे और के बता दिया। ये सिक्स में वन से करेंगे सिक्स, वन में जीरो से करेंगे जीरो, सेवन में वन से करेंगे सेवन। फिर ये थ्री प्लस है, ये थाउजेंड तक है, 4210। टू में जीरो से करेंगे जीरो, टू में वन से करेंगे टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। फिर इसमें के में थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री में जीरो से करेंगे जीरो, थ्री थ्री जा नाइन। इस तरह आपको एक्सरसाइज फोर सी में मैं क्वेश्चन नंबर वन का ई जे और के मैंने बता दिया। इसी बेस पर आप लोग अपने से जो क्वेश्चन है ट्राई कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम होगी कि मैंने नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछेगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 4D बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4D इसमें मल्टीप्लाई है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर वन, वन में ये बी बता देता, यह आपका टेबल है। वन प्लेस, टेन प्लेस, वन प्लेस, टेन प्लेस, इसमें 25 into 2। ये क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए है। 5 2 जा 10 का जीरो, बैलेंस हुआ 1। 2 2 जा 4, 4 1 5 50। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें वन प्लस, टेन प्लस, हंड्रेड प्लस, इसमें 70 कितना है, 70 मल्टीप्लाई करना है 5 से, किससे करना है 5 से, 5 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 7 5 जा
35 का 5 बैलेंस हुआ 350। 70 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 जिसमें 0 से 0, 75 35 का 5 बैलेंस हुआ 3, यानी 3 हो गया 350। इस तरह क्वेश्चन नंबर आई वन प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, वन प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, तो यह 1647। ये आपका वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन में 6 से मल्टीप्लाई करना, 7 6 40 का 2, 7 5 7 6 42 का 2 बैलेंस हुआ 4, 6 4 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28 का 8 बैलेंस हुआ 2, फिर 6 6 36 36 में 2 ऐड करेंगे 38 का 8 बैलेंस हुआ 3, 6 में 1 से 6 6 से 3, ये कितना हो जाएगा 7 6 42 का 2 बैलेंस हुआ 4, 6 4 24, अब 4 28 का 8 बैलेंस हुआ 2, 6 6 36 36 में 2 ऐड करेंगे 38 का 8 बैलेंस हुआ 3, 6 3 9, यानी 9882 क्या हुआ 9882। फिर देखिए 7 6 42 का 2 बैलेंस हुआ 4, 6 4 24, 24 4 28, 8 बैलेंस हुआ 2, 6 6 36 2 38 का 8 बैलेंस हुआ 3 6 3 9। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं अपने से जो मैं ए डी और ये आई बता दिया इसी बेस पर आप लोग अपने से फिर से ट्राई कीजिएगा और कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा। इस तरह मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, ये 75 × 3 है, ये भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू ये है ई, बना लीजिए 1 10 100, ठीक, ये है 363 × 7, 7 3 21 का 1 बैलेंस हुआ 2, 7 6 42 में 2 ऐड करेंगे 44 का 4 बैलेंस हुआ 4, 7 3 कितना हो जाएगा ये 4, फिर एक बार देखिए 7 3 21 का 1 बैलेंस हुआ 2, 7 6 42 में 2 ऐड करेंगे 44 का 4 बैलेंस हुआ 4, 7 3 21 में 4 ऐड करेंगे 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर देखिए 3 7 21 का 1 बैलेंस हुआ 2, 7 6 42 और 4
ये 7 3 21 का 1 बैलेंस हुआ 2, 7 6 42 और 2 44 का 4 बैलेंस हुआ 4। फिर 7 3 21 21 में 4 8 25 यानी 2541। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्वेश्चन नंबर ई बता दिया। अब जितने ये क्वेश्चन इसमें हैं ए बी सी डी एच अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। थैंक यू।